जापानीज का नेशनल पक्षी है। इनके अंडा एक खास बात है, ये शुगर कंट्रोल करने के काम आता है इनका अंडा। हाँ जी गाइस, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी रेंज मिल जाएगी गोल्डन रिटीवर की, और वो चैंपियन। ये दुबई में लगभग 7 साल काम किया, देन ट्रेलर ट्रेलर चला रहे थे बड़ा, तो कह लो कि कितने वो व्हील का, कितने चक्के वाला था? 18 व्हील वाला वो ट्रक बड़ा चलाते थे। लेकिन आज पंजाब में वापस आकर फैमिली के साथ पूरी सपोर्ट के साथ ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। और हम जो 6 घंटे चले वो तो मैंने बताया नहीं, तो आपका थोड़ी भी है, तो अपना ठीक ठीक थैंक यू जी। 1.5 साल की नैन्सी भी सेल है और ये बच्चा भी इसका फोर्थ सेल है। इनके सब केरला वाली जातियों का एक खासियत है, इनके जो 20 अंडे आप लगातार खा लोगे ना, रोज का एक एक करके दिन का खाओगे, आपका 20 दिन बीपी ना बढ़ेगा ना घटेगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जिसको बीपी की तकलीफ है ना उनके लिए अच्छा है। गाइस ये देखिए गोल्डन रिट्रीवर। सासिका सिंह साहब, सासिका जी, सिंह साहब एक बार नाम अपना बताइए। जस गिल डॉग फार्म। जस गिल डॉग फार्म, लोकेशन? मोगा जी। मोगे तो जी मेरे वीर। सर हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड है आज? हमारे पास सर ऑल ब्रीड मिल जाएगी आपको। ओके हमारा जो होम ब्रीडिंग है लैब्राडोर जर्मन शेफर्ड गोल्डन रिट्रीवर का। ओके पहले शुरू करते हैं इस तरह के हैवी बोन गोलू मोलू लैब्रे का रेट, प्राइस। प्राइस सर ये विद केसीएच ये तो आपको 30,000 का लगेगा मेल। गाइस लंबे कानों वाला, छोटी पूंछ वाला, चैंपियन माँ बाप का केसीएच बच्चा, और ये फीमेल है सर। इसका प्राइस क्या? 25,000 विद केसीआई। 25,000 विद केसीआई जी। और अगर आप थोड़ा रिट्रीवर भी विद केसीआई, नॉन केसीआई सब कुछ मिलेगा, सेम प्राइस है विद केसीआई 30,000 और 25,000। गाइस ये प्राइस अभी के हैं क्योंकि मौसम और क्वालिटी के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाकी सिम के सिंह साहब के पास छोटी ब्रीड्स, ये कुछ इधर बीगल हैं, सभी हैं, लेकिन राइट नाउ ये देखिए क्वालिटी। एक बार फिर कॉन्टेक्ट नंबर बताइए प्रॉपर। 9878930636। ओके थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। गाइज ये इनका कॉन्टेक्ट है जस गिल साहब, और ये आपको इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे। उनके पास स्टड सर्विस भी है, और आप सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुबई में लगभग 7 साल काम किया, ट्रेलर चला रहे थे बड़ा, तो कह लो कि कितने वो व्हील का, कितने चक्के वाला था? 18 व्हील वाला वो ट्रक बड़ा चलाते थे। लेकिन आज पंजाब में वापस आकर फैमिली के साथ पूरी सपोर्ट के साथ ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। हाँ जी सत श्रीकाल भाजी। सत श्रीकाल भाजी, और कैसे सब ठीक? बस एकदम फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ। हस्की की मार्केट अभी कैसी चल रही है? हस्की मार्केट अब तो बहुत अच्छी हो गई, पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है, पहले डाउन चल रही थी लेकिन अब प्रॉपर चलने लग गई है, फिर चालू हो गया। ठीक है, इस समय कौन से कलर की ज्यादा डिमांड है? जो ज्यादा मेरे को कॉल आ रही है कस्टमर की, ब्राउन व्हाइट जिसको हम लोग कॉपर बोल देते हैं, लाइक दिस, सबसे ज्यादा कॉपर की कॉल मेरे को आ रही है। ओके इसमें ब्लू आईस या कुछ डिमांड है या बस कस्टमर की? जो मेरे को कॉल आ रही है ब्राउन कॉपर व्हाइट बोली को, लेकिन कस्टमर को ये चीज समझाई, कितने बार समझाई है कि बोली और सेमी में फर्क कुछ नहीं, लेकिन कस्टमर क्या है कि दिमाग में उठा लिया बोली ही लेना है, हेयर में फर्क कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा है, लेकिन मैं कस्टमर से ये बताना चाहता हूँ, ये हर कस्टमर की जो मेरे को कॉल आ रही है वो बोलते हैं बोली, पता उनको है, पता उनको समझा कितनी बार समझा रहा हूँ कि बुली और सेमी में फर्क कुछ नहीं है, क्वालिटी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा हेयर का फर्क है। और बुली को संभालने के लिए गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाएगा, एफर्ट देना पड़ता है। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उसकी हेयर में, उसको जो बुली मांग तो रहे हैं है हस्की सब कुछ सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थोड़ा सा हेयर का है, और उसके हेयर जब कोट चेंज होगा सर्दियों वाला सर्दियों में आएगा, गर्मी वाला गर्मी में चेंज होगा, फिर कस्टमर क्या बोलेगा कि इसके हेयर बहुत उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइस ज्यादा लंबे या घने बालों के ऊपर मत जाइए, ज्यादातर आप जो नॉर्मल कोट है वो भी चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं, संभालने में दिक्कत नहीं आती। तो इस समय कुछ आइडिया बताइए व्हाइट और कॉपर के बीच में क्या रेट? सर जो रेट चल रहा है कॉपर और व्हाइट का 30,000 है, सेमी में है ये, सेमी में बिल्कुल, और ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक व्हाइट 28 का, बिल्कुल सर, चाहे मेल ले लो चाहे फीमेल सेम प्राइस है। तो गाइस इनके पास आपको हर कलर में हस्की गोलू मोलू नन्हे बड़े छोटे मिल जाएंगे, और ये है इनका नंबर, ये हमारे होशियारपुर के भाई साहब है, थैंक यू वेरी मच, वाहेगुरु चढ़दी कला। ओके थैंक यू सर। हाँ जी सिंह साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहाँ से सिंह साहब?
सर अमृतसर से। अमृतसर से, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह, आपके पास ये दो बीगल हैं बहुत अच्छे से, मेल और फीमेल दोनों है जी। क्या प्राइस चल रहा है बीगल आपके पास? सर बीगल का रजिस्टर्ड डॉग है, फादर मदर दोनों चैंपियन है। अच्छा, केसीआई रजिस्टर्ड डॉग है, ठीक है। तो क्या प्राइसिंग साहब डिमांड है? 20,000 मेल का या फीमेल का? मेल का सर। मेल का और फीमेल का सर 12,000 में गाइस, फीमेल और 20 में मेल। ये देखिए गोलू मोलू से बच्चे। सिंह साहब अपना कैनल का नाम या फिर कॉन्टेक्ट नंबर? सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8591716091, अमृतसर से अवतार सिंह नागी। ओके गाइस, इनके पास बीगल रजिस्टर्ड चैंपियन माँ बाप के बच्चे अवेलेबल हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप नियरेस्ट अमृतसर में हो तो लोकेशन सिंह साहब? सर सुल्तानगंज रोड नियर गोल्डन टेम्पल। ओके गाइस, नियर गोल्डन टेम्पल। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। थैंक यू। सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल। कहाँ से सिंह साहब? आपा जी बठिंडे तो हैं। अच्छा बठिंडे। हाँ जी, संदीप डॉग फार्म है जी अपने नाम। संदीप डॉग फार्म। हाँ जी। ओके, हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड होती है सिंह? हमारे पास वैसे तो ऑल ब्रीड होती है, जैसे पाग हो गया, पपेरिन हो गया, लेब्रे हो गया, लेकिन अपने मेन काम हस्की का ज्यादा जी। अच्छा, हस्की। हाँ, हस्की दे पूरे फैन है, साडे टैटू छपाया हुआ हस्की का, ते वो अपने आज लेके नहीं आए क्यों ज्यादा हो गए बच्चे, ता करके आज का कोई भी डॉग नहीं लेके। लेकिन राइट नाउ इनके पास पग है जो मैं मार्केट में बहुत कम दिखा आज। हाँ, क्या प्राइस है पग का सिंह साहब इस समय? ये 8,000 रुपए जी, मेल। मेल फीमेल 7,000 दीजिए। 7,000 की फीमेल। गाइस देखो पूरे रिंकल्स वाले बच्चे, 7,000 का मेल और 8,000 की मेल, सॉरी 7,000 की फीमेल। और हस्की में आजकल क्या चल रहा है? हस्की में जी जैसे उसका आईज ब्लू आईज है वो 20,000 का बच्चा मिल रहा है, बुली कोट का है वो 30,000 का, अलग अलग रेट होते हैं जी उसमें, बॉडी कलर एंड आंखों के कलर के ऊपर है। अभी ये हाथ में कौन सा पकड़ा हुआ है? पपेरियन है जी अपने को। इसका प्राइस क्या है सर? स्नो व्हाइट है पपेरियन, स्नो व्हाइट। एक बार दोबारा कॉन्टेक्ट नंबर बताइए सर अपना। कॉन्टेक्ट 78-94-8182 जी, 90412-0568। सर एक बार नंबर दोबारा बताइए। 9041205-06। ओके गाइस, सुन गया होगा आपको नंबर। और आपको पग पमेरियन हस्की में से काम करते हैं। अगर बठिंडे में हो तो लोकेशन कहाँ है बठिंडे में आपकी? बठिंडे में अपना गांव है तंगाली जी। गूगल में सर्च कर सकते हैं हमारी प्रॉपर लोकेशन गाइस, गूगल में सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे पेज भी अपना संदीप डॉग फार्म, संदीप डॉग फार्म में पेज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू जी। गाइस एक आपको यहाँ पर यूनिक दिखाते हैं, ये है जी। सत श्री अकाल सिंह साहब, कहाँ से सिंह साहब? असी जरतौली पिंड तो जी, लुधियाना जिला। ओके जी, कौन कौन सी ब्रीड होती है सर आपके पास? मेरे पास शेटजू, फ्रेंच बुलडॉग, माल्टीज, सब ब्रीड्स होती हैं। माल्टीज का क्या रेट चल रहा है आपके पास आजकल? माल्टीज का कोई 50-60,000। 50,000 से? और वो केसीआर रजिस्टर्ड प्रॉपर पेपर वाला डॉग मिलेगा आपको? नहीं, पेपर तो बड़ा होता मेरे पास। ठीक है जी, वैसे क्वालिटी प्रॉपर मिलेगी। ये भी हमारे ही हैं। हाँ जी, ये रैबिट और गिनी पिग, उनका क्या प्राइस है? ये 1,000 रुपये का पेयर और ये 1,200 पेयर। ठीक है जी, ये 1,200 का। ठीक है जी, और फ्रेंच बुलडॉग बीगल? फ्रेंच बुलडॉग मेला 10 महीने का। ओके, ये फ्रेंच बुलडॉग 25,000 का है। ये फ्रेंच बुलडॉग 10 मंथ का? हाँ जी। सर क्या डिमांड है आपके? 25,000। 25,000 में 10 महीने का वैक्सीनेटेड कंप्लीटेड है। खुद एक मिनट कर देते हैं। ओके, ये स्टड स्टार्ट है, एक मीटिंग हो चुकी है, एक ही करी है। तो गाइस जो मेरे फ्रेंड्स स्टड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंच बुलडॉग 10 महीने का सिंह साहब के पास अवेलेबल है। और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सेट जो है भी नवा 10 महीने का है, ये भी फॉर सेल है। इसका क्या डिमांड है सिंह साहब? शिरजू का क्या डिमांड है? 20,000। वो भी स्टड के लिए ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो गाइस इनके पास सिमी अडल्ट डॉग्स हैं। अच्छा, मीटिंग कर चुका है। ठीक है गाइस, इनके पास सिमी अडल्ट डॉग्स हैं, छोटे बच्चे हैं, और वन ऑफ द सबसे लंबा स्टॉल इन्हीं का लग रहा है मेरे को यहाँ पर, और हर तरह की वैरायटी। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल जी। सिंह साहब कहाँ से? पटियाले तो। क्या नाम है आपका सिंह साहब? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह सर, आपका कोई कैनल है या कोई डॉग फार्म है?
नहीं, होम ब्रीडिंग। होम ब्रीडिंग। ओके, ये ब्रीड आपके पास हस्की मेल है या फीमेल सर? फीमेल सर। क्या प्राइस है सर इसका? 30,000। हाँ जी। तो ये इसकी मदर है? हाँ जी। गाइस ये इनकी मदर है और ये है उसका बच्चा, है बिल्कुल ब्लू आइज और बिल्कुल सही मार्किंग। ओके, क्या डिमांड है आपकी? 30,000 इसकी? हाँ जी। कोई कॉन्टेक्ट नंबर सिंह साहब आपका? 9872861308। गाइस अगर आपको हस्की चाहिए और ये मदर आप बिल्कुल देख सकते हो, मदर फॉर सेल। ओके, क्या नाम है इसका? नैन्सी। क्या नाम है? नैन्सी। क्या एज है इसकी सर? 1.5 साल की। 1.5 साल की नैन्सी भी सेल है और ये बच्चा भी इसका फॉर सेल है। गाइस एक बार नंबर दोबारा बोल दीजिए सिंह साहब। 9872861308। थैंक यू वेरी मच जी। ओके थैंक यू सर। सिंह साहब अपने कोई कैनल का नाम? कैनल है रंगला निवास कैनल। रंगला निवास कैनल। हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड होती है इसके अलावा? ये जर्मन अमेरिकन बोली, बीगल, कल्चर पॉम, रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर, कल्चर पॉम, बीगल एंड जर्मन शेफर्ड। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सिंह साहब? 6280592642। ओके, तो इस समय जो आपके पास में जर्मन शर्ट पड़े हुए, इसका क्या रेट चल रहा है पकड़े हुए? भैया मेल 12,000 रुपए, फीमेल 8,000। 8,000 की फीमेल। और अमेरिकन बुली का? अमेरिकन बुली का भैया मेल 8,000 रुपए, फीमेल 5,000। ओके जी। तो गाइस इनके अलावा इनके पास ये छोटे-छोटे आपको हर ब्रीड मिल जाएगी। एक बार दोबारा लोकेशन सर एंड कॉन्टेक्ट नंबर। लोकेशन फतेहगढ़ साहिब। खास या कोई नियर बाई? नहीं, फतेहगढ़ साहिब खास। ओके जी। एंड नंबर? 6280592642। ओके, थैंक यू वेरी मच जी सिंह साहब, धन्यवाद। गाइस डॉग शो में अभी ये भी पार्ट होता है डॉग शो का। ये देखिए कितने प्रकार के अलग अलग मुर्गे और लास्ट इन नॉट लीस्ट ये देखिए, और ये। हाँ जी सिंह साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। कहाँ से सिंह साहब? लोकल पटियाले से ही हैं जी हम। तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के अलग अलग भाजी? 8-9 प्रकार के आज हम लेके आए, वैसे घर पर और भी बाकी पड़े हैं। ठीक है, आप प्रोफेशनली ये काम करते हो? नहीं जी, ये शौक के लिए है, प्रोफेशनल डेयरी फॉर्म है हमारा। अच्छा, डेयरी का काम भी है? हाँ जी, बैक 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 एक्साइड डेयरी का। हाँ जी, वैसे डॉग का भी प्रोफेशनल नहीं है, ये बस शौक का मूल है। चलो गाइस, ये नंबर शायद आपको दिख रहा नहीं तो आपको बोल देंगे। हाँ जी, रुपिंदर सिंह वाले नंबर पर कॉल कर लें जब भी चाहें आप। शुरू करते हैं यहाँ से। ये कौन सी प्रजाति है? ये स्प्राइट है जी। ये सब केरला की है, इसको छोड़ के ये सब केरला की जाति है सब। ओके, ये लोकल कोई नहीं है। हाँ। इनका अंडा एक, इनके सब केरला वाली जातियों का एक खासियत है, इनके जो 20 अंडे आप लगातार खा लोगे ना, रोज का एक एक करके दिन का खाओगे, आपका 20 दिन बीपी ना बढ़ेगा ना घटेगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जिसको बीपी की तकलीफ है ना उनके लिए अच्छा है, 6 महीने तक बीपी की तकलीफ नहीं होगी इनको। गाइस ये दवाई है आपके लिए। हाँ जी, ये व्हाइट वाले फीमेल्स हैं और गोल्डन वाले मेल है। ये किसी कलर में होते हैं? व्हाइट फीमेल हमेशा व्हाइट ही होती है? नहीं नहीं, ये दोनों अच्छा, मिल जाते हैं। हम ज्यादातर ये ऐसे रखते हैं क्योंकि अगर आगे बच्चे होंगे ना, अगर 10 अंडों में 6 तो दूसरे निकलेंगे, दोनों रंग के बच्चे आ जाते हैं आगे। अगर आप दूसरे सेम कलर चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा, उसके लिए बंदा कहता है कि हम अलग पेयर फिर से बाय करें दोनों कलर चाहने। सिंह साहब इसका प्राइस? अडल्ट मिल जाएगा जी आपको 5,500 का और सेमी अडल्ट मिल जाएगा 4,500 का। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये जापान के पक्षी हैं जी, ये जापानीज बैंटम है, ये व्हाइट वाले, इनकी हाइट इतनी रहेगी व्हाइट वालों की। हाँ जी, ये देखो इनके फेस, मूंछ इनके फेस से ऊपर जा रही है, गौर कर सकते हैं, ये अडल्ट पेयर है पूरा। हाँ जी, इसकी हाइट इतनी रहेगी? हाँ जी, इतनी रहेगा जी, मुर्गा मुर्गी दोनों इतने ही रहेंगे, इससे बड़े नहीं होंगे ये। ओके, ये मैक्सिमम हाइट है इनकी। इनके अंडों की भी कोई खासियत है? इनका भी बीपी कंट्रोल करने के काम आता है, सवाई प्रेजेंट को छोड़ के। ओके, अच्छा जी। हाँ जी, ये आपको मिल जाएंगे अराउंड 5,000 के रेंज में। ओके, पेयर या वन? पेयर 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 के प्राइस है सारे। ये प्रेजेंट है, ये जापान का नेशनल बर्ड है। Okay. जैसे यहाँ का मोर है वैसे ही वहाँ का ये है। अच्छा, नेशनल पक्षी है वहाँ? हाँ जी, जापानीज का नेशनल पक्षी है। इनके अंडा एक खास बात है, ये शुगर कंट्रोल करने के काम आता है इनका अंडा। हाँ जी, ठीक है। ये सब अगर आपको कोई बात को गलत लगे आप गूगल पर चेक कर सकते हो, वहीं पर लिखा हुआ है सारी बात। थोड़ा सा और इनके बारे में, बाकी ये इंडियन है सभी है ना? नहीं नहीं, ये भी केरला के ही है, ये कोई इधर का पंजाब वाली साइड का कोई साउथ इंडियन सारा। ये डच गेम बैंटम है।
ओके गेम ये 5500 के करीब का आ जाता है पेयर, ये भी इनकी हाइट ये भी इतनी रहेगी, सारे एडल्ट पेयर है, कोई बच्चा नहीं है, मुर्गे की तरह ही इनकी भी हाइट है ना, बट थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, वो जापानीज बैंटम है, ये गेम बैंटम है, गेम बैंटम, ये आगे डच बैंटम आगे, ठीक है। हाँ जी देखो गाइस कितनी प्रजाति है अलग अलग, वापस बादा जी के देखोगे, ओके सिंह साहब अभी थोड़ा बताइए ये क्या बोला आपने, ये इंडियन, ये गेम बैंटम है, गेम बैंटम, और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है चाइनीज, हाँ जी इसका साइज उससे बड़ा होगा जी, इसकी पूंछ ऐसे नीचे की तरफ होगी जब से आप देख रहे हैं, उसकी जापानीज की हमेशा खड़ी रहती है, अच्छा ये ऊपर की तरफ रहती है, अगर उनकी बैठ जाएगी तो समझो वो बीमार है, ओके अच्छा इनकी, हाँ जी इनका ये ऐसे पड़ता चल जाता है, स्ट्रक्चर से साइन पकड़ने पड़ते हैं, हाँ जी तो ये आपको हर टाइम आपके पास अवेलेबल होते हैं, हाँ जी अवेलेबल हो जाएंगे, ये डच बैंटम है, ओके जी डच बैंटम, ये अराउंड 4000 करीब आ जाएगा जोड़ा, हाँ जी ओके पेयर, ये है उठे आवांगे, ये है टेबल बैंटम, ये टेबल बैंटम है जी, ओके जी, इनके ये पैरों, भी पेयर है, पर भी मैं देख रहा हूँ बाल है ना, हाँ जी हाँ जी, इनके कलर अलग होते हैं, देखो इनकी पूछ भी खड़ी है पर जापानीज ऐसे नहीं खड़ी है, इनकी सीधी नहीं है, इनकी थोड़ी टेढ़ी खड़ी है, थोड़ी बीच में है, इनकी छोटी इतनी रहती है पूछ, ओके, और ये फिनिक्स का मुर्गा है जी, और जो गोल्डन वाली है वो इंग्लिश बैंटम की मुर्गी है, ये दोनों अलग अलग है, ये फिनिक्स का मुर्गे की हाइट इतनी रहेगी, जब ये 1.5 साल के करीब होगा इसकी पूंछ जो हाइट है वो 6.5 फीट के करीब हो जाएगी, 6.5 फीट, हाँ जी ये पूंछ ही बढ़ेगी जितनी बढ़ेगी इसकी हाइट, वैसे नहीं बढ़ेगा ये मुर्गा, ओके, और ये बताइए ये क्या है, ये सिल्की है जी, ओके, इसका तो फेस भी दिखाई नहीं, हाँ जी ये फाल होते हैं, ये मुर्गा है और दो मुर्गियां ही है, ठीक है, ये दो मुर्गियां जो दो ही कलर के आते हैं, दो ही कलर में होते दो ही कलर में होते हैं ये, और इसका प्राइस सिंह साहब ये 10000 में तीनों पड़ जाएंगे जी आपको, एक मेल और दो फीमेल, हाँ जी दो फीमेल, और इनके अंडे भी वही आप बीपी कंट्रोल, हाँ बीपी, बाकी सिर्फ वो प्रेजेंट को छोड़ के वो शुगर के बाकी सारे के वो बीपी के ही हैं, इनका अप डाउन है उनका ध्यान, हाँ जी, और ये हमारा ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ये 7.5 महीने का जोड़ा है, अभी परसों ही मुर्गी को पकड़ना चालू किया, अभी 10-15 दिन में अंडे तैयार हो जाएंगे देने के लिए, ठीक है जी, इनकी लाइफ कितनी लंबी होती है लगभग, इन सब के जी हो जाएगी आपकी 6-7 साल के करीब हो जाती है बड़े आराम से, बाकी आप सेवा पे जैसे आप पालोगे इनको जितनी अच्छी केयर करोगे, और कितना समय अंडे देती है फीमेल, ये फीमेल जी देती है एक बार में ये वाली ज्यादा दे देती है, बाकी को करीब देती है 16-17 अंडे देती हैं एक बार में, और कितने समय तक दे सकती हैं वो, ये समय लाइफ टाइम देती हैं, जब तक आप इनकी सेवा करते रहोगे इनको खुराक पूरी मिलती है, ताकतवर ये रहेंगे ये अंडे देंगी मुर्गियां, ओके गाइस ये अभी बहुत बड़ा होगा जी, ये 7.5 महीने का है, जब ये 1.5 साल का होगा मुर्गा 10 किलो का हो जाएगा, मुर्गी 4.5 किलो की हो जाएगी, अच्छा हाँ जी, इनका हाइट और वेट दोनों बढ़ेगा, अभी ये बच्चे ही समझो एक तरह के आप, ठीक है गाइस, अगर बीपी या किसी को कोई ब्लड शुगर कुछ दिक्कत है तो ये इनके हैं पासअप दवाइयाँ, और कोई ये और जानवर लेना हो चाहे डॉग लेना हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये तीन टॉय पॉम सिडजू और चाऊ चाऊ ये हमारी होम ब्रीड है, हम इन्हीं में डील करते हैं घर पे भी, ठीक है थैंक यू सिंह साहब, वेलकम जी, हाँ जी गाइस सत श्री अकाल, अभी तो शायद 8-9 बजे हैं और शो स्टिल कंटिन्यूज, आप देख रहे हो चारों रिंगे चल रही हैं, जर्मन शेफर्ड की इधर समियोड की चल रही है, उधर अमेरिकन बुली की चल रही है, और वो पीछे एक रिंग चल रही है जर्मन शेफर्ड की, तो लेकिन थोड़ा समय की कमी, हमें दूर जाना है, तो आपको ज्यादा जो विनर है वो आपको वीडियो के एंड में बाई फोटो में हम दिखा देंगे, तो अभी थैंक यू धन्यवाद तरन सर का और आपका भी, और वरुण सर हमारे जो साइलेंट हमारे जो सबसे बड़े हैं साइलेंट पर्सन, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट शो में भाई, थैंक यू जी। तो ये जो हमारे पर्सन हैं, ये जो अंदर बैठकर सब काम करते हैं, इनकी ही कृपया से आज लाइव हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थक गई हूँ मेरी लातों, थक गई मेरी मेरी लातों में, बहुत मैं खड़ा ही रहा 5 घंटे, और हम जो 6 घंटे चले वो तो मैंने बताया नहीं, वो आपका थोड़ी भी, मैं तो अपना, ठीक ठीक थैंक यू जी।